जिसने अब्दुल गुरु को फांसी दे दी थी। मुझे इतना ही मकसद था, मैंने कांग्रेस से लिख के लिया, आपके विकास साहब ने लिख के दिया, सुरूरी साहब ने लिख के दिया, आपने देखा भी होगा, और ये लिख के दिया कि अब्दुल गुरु को इंसाफ नहीं मिला। मेरा इतना ही मकसद था ताकि तारीख में लिखा जाए हाय उस रोज का पेशेमान होना कि कांग्रेस ने अब्दुल गुरु को फांसी देकर राहुल गांधी की बर्बादी की दास्तान रकम कर दी, और इंजीनियर लगेज का एक जियाला निकला जिसने कांग्रेस से गुनाह का एतराफ कर लिया, क्योंकि अब्दुल गुरु वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन कांग्रेस ने इतना इकरार कर लिया कि हम अब्दुल गुरु को इंसाफ नहीं दे सके। आप सुन रहे मेरी बात? आपको मेरी बात सुन रहे ना? तो बीजेपी ने आज भी बीजेपी कहती है अरे आप ही कांग्रेस हो जिससे इंजीनियर रशीद ने माफी मंगवा दी, मेरे लिए उतना काफी था। और उसके अलावा मेरा दूसरा मकसद था, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मेरे मुखालिफ लोग हैं, मुखालिफत हमारी पार्टी भेदभाव करने वाली पार्टी नहीं है, इलाके को तकसीम करने वाली पार्टी नहीं है। वी वांट टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ किस चीज का? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने जिनकी यानी जो हुकूमत करते थे 12,000 मुरब्बा किलोमीटर पर, जहां पर शेर और बकरी जो है एक साथ पानी पीती थी, क्योंकि वो इंसाफ का तकाजा है। इंजीनियर रशीद साहब जो है दे वांट टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ द इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई जहां पर सबकी यकसा तरक्की हो, कोई भेदभाव न हो। और उसके बाद में आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस जो है पूरी तरह से बनिहाल के अंदर फेल हो चुकी है। कांग्रेस का लीडर आजकल आपने देखा होगा फेसबुक पे वो शेर रखता है, आप सबने देखा है फेसबुक पे हमारा कांग्रेस का लीडर शेर दिखाता है, लेकिन मैं इसको बताना चाहूंगा भाई साहब शेर आपको मंदिर दिखाया, मंदिर 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 मेरी तरफ देखे, जब सुना कैद में वादियां हंसी अपनी है, चारों तरफ देखे आप, जब सुना कैद में वादियां हंसी अपनी है, जब सुना कैद के कब्जे में जमी अपनी है। हुआ क्या हुआ ये मैं बताऊंगा, जब सुना कैद में वादियां हंसी अपनी है, जब सुना कैद के कब्जे में जमी अपनी है, तो नौजवान सीनों में जज्बात ने अंगड़ाई ली, नौजवान सीनों में जज्बात ने अंगड़ाई ली, मौत की रस्में मुलाकात ने अंगड़ाई ली, नौजवान सीनों में जज्बात ने अंगड़ाई ली, मौत की रस्में मुलाकात ने अंगड़ाई ली, तो घर में बैठे रहे गैरत ने गवारा ना किया, घर में बैठे रहे। यहाँ पर डेवलपमेंट है, तरक्की का जो है वो तो मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ, अगर उन्होंने काम किया होता फिर हम यहाँ नहीं होते। हम इसीलिए लोगों से कहते हैं वीआईपी कल्चर का खात्मा करके एआईपी का साथ दीजिए, क्योंकि हमारा नारा है क्या बोले एआईपी आम आदमी वीआईपी। तो हम इंशाल्लाह उस वीआईपी कल्चर का खात्मा करके रख लेंगे और आपको दिखा देंगे कि गवर्नर अपने हाथ में वो खून से रंगे हैं। इसमें मैडम का इतना ही कसूर है कि वो घर में न जाए। बाकी आप गिलानी साहब को भी सीएम बनाएं, मारदार टोपी नहीं बिकेगी जब तक कश्मीर का तनाजा हल नहीं होगा। बेहतर यह है कि नई दिल्ली हरदर्मी छोड़ दे, अस्करियत पसंदों से बात करें, हुरियत से बात करें, पाकिस्तान से बात करें, और अफगान की करारदादों के मुताबिक बात करें, तब जाके मसला कश्मीर हल हो सकता है। और मारदार हमारी 10 साल की कारकर्दगी देख लें, हमने जहां आम आदमी का ख्याल रखा, वहां हमने अपने मजबूरी तौर अपने लोगों की बात की, उम्मत की बात की, बिलाज मजहबी लोगों की बात की। मुझे उम्मीद है कि लोग जिस तरह से आपने खुद भी देखा कि सरकारी दोस्त धमकियों के बावजूद, मुझे हरासा करने के बावजूद, जिस तरह हजारों की तादाद में लोग हमारी बात सुनने के लिए आ रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि लोगों के पास एआईपी के सिवा कोई दूसरा मुतबादल नहीं। थैंक यू सर। आखिरी बात, बानहाल का नशीन अपने दिमाग से सोच रहे हैं कि वो क्या फैसला करेंगे। हम सबको चाहिए कि उनकी जाती राय का फैसला करें।